विदिशा जिले के पठारी में एक भारतीय किसान संघ ने हनुता डूब क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर 13 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन पठारी तहसीलदार आर के मेहरा को सौंपा है, जिसमें बीना नदी पर चल रहे हनोता सिंचाई परियोजना में जिन किसानों की कृषि भूमि डूब क्षेत्र में आ रही है उन किसानों को उनकी भूमि एवं परिसंपत्तियों के गणना पत्रक जल्द उपलब्ध कराए जाएं। डूब क्षेत्र के जिन किसानों की मुआवजा राशि आज तक नहीं मिली उन किसानों की जो फसल क्षति जल भराव एवं अतिवृष्टि से हुई है उनका सर्वे कराकर उनकी मुआवजा राशि किसानों के खाते में जल्द डाली जाए। किसानों को 14 घंटे 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जाए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हम लोगों की किसानों की सभी ये मांगों पर शासन प्रशासन अगर ध्यान नहीं देगा तो आगे चल के हम लोग धरना और वो चक्का जाम भी कर सकते हैं। उनके तत्वाधान में ज्ञापन दिवस के उपलक्ष्य में ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी के नाम 31 सूत्री और 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन रखा गया है और एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर साहब के महोदय के नाम है, जिसमें 14 सूत्री मांगें रखी गई हैं, जिसमें प्राथमिकता से डूब क्षेत्र की समस्याओं को लिया गया है। अतिवृष्टि के साथ साथ डूब क्षेत्र के किसानों के साथ आज तक जो अन्याय होता चला आ रहा है उसको उसकी तरफ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना मेन उद्देश्य है, जिसमें किसानों को आज तक गणना पत्रक उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसमें उनकी परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है, सीधे सीधे राशि बताकर उनको राशि के पत्रक दे दिए गए, जिसमें सभी किसानों के मन में रोष है, उग्र हैं और धरना की परिस्थिति बन गई है और हो सकता है भविष्य में ये आंदोलन बड़ा रूप धारण कर सकता है। महोदय को ज्ञापन दें, लेकिन SDM महोदय अभी तक मौके पर ना आई हैं और असमर्थता व्यक्त कर रही हैं आने में। सभी किसानों की राय है कि धरने पर बैठेंगे जब तक कि SDM महोदय ज्ञापन लेने नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।